नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत और आप देख रहे हैं कैमरा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डावेंची रिजॉल्व के बारे में। डावेंची रिजॉल्व 16 के थ्रू जो कैमरे से कार्ड आता है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो कैमरे से रॉ फुटेज आता है ना, अभी एरी में भी रॉ आएगा, रेड में भी रॉ आता है, सोनी में भी रॉ आता है और कैनन में के भी कैमरे में रॉ आता है, ठीक है। तो अभी उसको हम डायरेक्ट एडिट तो कर नहीं सकते, अभी उसको फिर हमें प्रॉक्सी फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है। प्रॉक्सी फाइल में कन्वर्ट करने के बाद आप आराम से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप उसके लिए एविड से एडिट करना चाहें, चाहे आप FCP से करना चाहें, चाहे आप प्रीमियर प्रो से या खुद डायवेंची रिजॉल्व से भी एडिट करना चाहें, तो उसके लिए आपको प्रॉक्सी फाइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारा काम क्या होता है, हम सेट पे होते हैं और हमें कभी कभी ऐसा होता है कि डाटा कन्वर्ट करके देना पड़ता है। कभी कभी आप चाहे आप करें या फिर DIT करें, या जैसे मैं हूँ, मैं DIT करता हूँ, तो मुझे DIT के लिए ये हो जाता है कि DIT करना है तो डाटा कन्वर्ट करना है, डाटा कन्वर्ट करके देना है, ठीक है। लेकिन DIT के ढेर सारे काम होते हैं, जैसे आपको LUT बना के देना है कैमरे के लिए, या LUT को डालना है आपके फुटेज में, और फिर उसके बाद ऑडियो और वीडियो को कनेक्ट करना है, या फिर कलरिंग करना है, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि कैसे डाटा को सिर्फ कन्वर्ट किया जा सके, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये छोटी एक नॉर्मल सी वीडियो होगी, उसके आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कलरिंग कैसे करते हैं और फिर उसके बाद LUT कैसे बनाते हैं, ऑडियो वीडियो कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें ढेर सारी वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको बता पाऊँगा, ठीक है। तो इसमें ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि ढेर सारे लोगों के रिक्वायरमेंट आने लगे थे, लोगों के रिक्वेस्ट आने लगे थे कि डाटा कन्वर्ट कैसे किया जाता है, वो उसके बारे में बताएं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके पहले DIT के लिए कार्ड कॉपी कैसे करते हैं, कार्ड को कॉपी कैसे अरेंज कैसे किया जाता है, और DIT रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है एक नॉर्मल बंदे के लिए, ठीक है। तो वो सारी वीडियोस हमारी बनी हुई है, अगर आपने ना देखा हो तो आप उसको देख लें, और जिसने देखा हो उसके लिए ये अगली वीडियो है। तो डाटा कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके लिए हम चलते हैं आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हम पहले विंडो को छोटी कर लेते हैं और ले लेते हैं डावेंची रिजॉल्व, ठीक है। ये हमारा डावेंची रिजॉल्व 16 है और आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन हार्ड ड्राइव पड़ी लगी हुई हैं, जो कि हमारे सेट की हार्ड ड्राइव हैं, जो जहाँ पे शूट चल रहा है वहाँ की हार्ड ड्राइव है, मास्टर बैकअप और जो एडिट के लिए जाती है वो हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो हम इसमें से एक जहाँ से हम फुटेज को उठाना है वहाँ से हम ये देख लेते हैं, ये सारे फुटेज हैं, इसको हम लेके फिर एडिट कर पाएंगे, तो DIT से कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ से हम अनटाइटल प्रोजेक्ट को क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डावेंची रिजॉल्व 16 खुल चुका है। इसमें सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ सेटिंग देख लेंगे क्या क्या है, और यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ जो आपके एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है, पोस्ट से जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे ये देख लीजिए 1920x1080 ये रेजुलेशन हमारे टाइमलाइन का है, इसको आप चाहे जितना करना चाहें 720x1280 या जो भी आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको 1920 रहने देते हैं, नॉर्मल एक डिफ़ॉल्ट 1920 ही होता है। अभी ये रही ये बात टाइमलाइन फ्रेम रेट, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, अब जैसे हम फिल्म कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पे 24 फ्रेम पे कैमरा शूट कर रहा होता है, जब भी हम सीरियल या वेब सीरीज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे 25 फ्रेम पे शूट होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम अभी वेब सीरीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कैमरे का जो फ्रेम रेट होता है उससे इसको मैच करना होता है। आप यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज करेंगे तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी सेटिंग है, यहाँ से इसको हम 25 कर लेते हैं, इसको भी 25 कर लेंगे, प्लेबैक फ्रेम रेट, और फिर यहाँ से देखिए ये वीडियो फॉर्मेट जो है इसको भी 25 फ्रेम पे कर लेते हैं, 1080 PS 25, ठीक है। अभी उसके बाद जो हम जाएंगे इमेज स्केलिंग में, इमेज स्केलिंग में आप यहाँ पे एक चीज़ मिलता है हमें, जिसे अगर आप उसको क्रॉप करके फुल फ्रेम पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप, वैसे ये स्केल एंटायर इमेज टू फिट यहाँ पे रहेगा, ये कर लेंगे। फिर उसके बाद कलर मैनेजमेंट में जाएंगे, कलर मैनेजमेंट में जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक ये देखिए ये लुकअप टेबल होता हमारा होता हमारे पास, और यहाँ से आप चाहिए तो डावेंची रिजॉल्व YRGB है, इसको आप कर दीजिए डावेंची रिजॉल्व YRGB कलर मैनेज, ठीक है। यहाँ से आप ओके कर दें, फिर अभी देखिए यहाँ से आउटपुट कलर स्पेस यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसको रहने दें, और यहाँ पे देखिए आप लुकअप टेबल पे आ जाएं। ये भी चीज़ है, यहाँ पे भी आपको एडिटर से पूछना ज़रूरी है, जो पोस्ट टीम है उससे पूछना ज़रूरी है कि आपको LUT चाहिए या नहीं चाहिए,
आपको लट डाल के चाहिए फुटेज में या विदाउट लट रॉ लुक में चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर लट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके, अभी मैं जैसे कि मैं अभी एरी एलेक्सा यूज़ कर रहा हूँ, एरी एलेक्सा मिनी मेरा चल रहा है, तो यहाँ पे आप एरी एलेक्सा लॉक्सी 2709 यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और हाँ, ये एक चीज़ और ध्यान देना है, 3D इनपुट लुकअप टेबल इसको चेंज नहीं करना है, इसको 3D आउटपुट लुकअप टेबल को चेंज करना है, ठीक है। यहाँ से चेंज कर देंगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नो लट सेलेक्टेड, ठीक है। यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं, फिर जनरल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, एसेट यूजिंग रियल नेम फ्रॉम द एम्बेडिंग इन सोर्स क्लिप फाइल, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्लिक कर लीजिए, जो कि जो रियल नेम है आपका सोर्स फाइल के थ्रू आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कैमरा रॉ में जाना है। अभी यहाँ पे देखिए, अभी ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अभी यहाँ से आप जो भी कैमरा यूज़ कर रहे हैं, चाहे एरी यूज़ करना है, चाहे ब्लैक मैजिक, कैनन, सिनेमा, पैनासोनिक, फैंटम, रेड और सोनी रॉ, ठीक है, इसमें से कोई भी यूज़ कर रहे हैं आप, ये सारे कैमरे को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। इसलिए ब्लैक मैजिक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर होता है कि आप जिस कैमरे पे भी शूट कर रहे हो उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। और हाँ, अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो ये डिफ़ॉल्ट पे एरी रॉ होता है, अगर आप दूसरे कैमरे के साथ शूट कर रहे हैं तो वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, ठीक है। अभी ये देखिए डिकोड क्वालिटी, यहाँ पे आपको फुल रेस रखना है, हाफ रेस, फुल रेस एरी रखना है, हाफ रेस रखना है और क्वार्टर रेस रखना है। क्या रखना है वो आप देख लें, वो एडिट से पूछ लें, या मुझे हाफ रेस रखना है, मैंने हाफ रेस रख लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पेपर सेटिंग चाहिए तो चेक कर सकते हैं, ये सब डिफ़ॉल्ट रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं सब करने छेड़ने की, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें सेव करना है, हमने सेव कर लिया। अब जाना हमें मीडिया में, ये देखिए यहाँ पे मीडिया है, मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद अब आपको ये देखना है कि कहाँ से हमें फुटेज लाना है। तो जैसे मैंने मास्टर से फुटेज लाना है, तो मास्टर में गए, यहाँ से ओपन किए, ये एरी रॉ जहाँ पे मेरे कार्ड्स हैं, ये मुझे मैंने 7 नंबर कार्ड को ओपन कर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी देखिए, ये है पूरा कार्ड, ये मैंने यहाँ पे कमांड ए करके सेलेक्ट ऑल कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे डबल फिंगर क्लिक करना है, ऐड इनटू मीडिया पोल, ठीक है, यहाँ से क्लिक करना है। ये देखिए ये सारी चीज़ें हमारी मीडिया पोल में ऐड हो गई। अभी यहाँ पे क्लिक करके फिर से सेलेक्ट ऑल करना है, डबल फिंगर क्लिक करना है, और ये देखिए अगर वहाँ से लट नहीं डालते हैं तो यहाँ से भी लट डालने का ऑप्शन होता है। 3D लट पे जाएंगे, एरी पे जाएंगे, और यहाँ पे भी देखिए सभी कैमरों के ऑप्शंस दिए हुए हैं, किस कैमरे का लट चाहिए वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर एरी का चाहिए तो एरी एलेक्सा लॉक्सी 2709 यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, मैंने नो लट पे क्लिक कर लिया। अभी वापस से मैं डबल फिंगर क्लिक कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे करना क्या है, क्रिएट न्यू टाइमलाइन यूजिंग सेलेक्टेड क्लिप, ठीक है। डबल फिंगर क्लिक, क्रिएट न्यू टाइमलाइन यूजिंग सेलेक्टेड क्लिप, ये करके मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे देखिए एक और टाइमलाइन बन के आ गई यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे कट है और फिर एडिट है और फ्यूज़न है, कलर है और फायर लाइट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में एक एक करके सबके बारे में डिटेल बताऊंगा। अभी आपको अगर सिर्फ कन्वर्ट करना है तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप तुरंत आ जाएं डिलीवर के ऑप्शन पे। डिलीवर के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए, ये जो फुटेज है मुझे दिखाना नहीं है, मैं शो नहीं कर सकता, इस वजह से मैं इसको डार्क कर दूँगा अभी थोड़ी देर के बाद एडिट करते टाइम। और फिर अभी देखिए यहाँ पे लोकेशन दिखाना है, हमें कहाँ सेव करना है, जो हमारी फ़ाइल निकलेगी उसको हमें कहाँ सेव करना है उसको, उसके बारे में देख लेते हैं। ये ब्राउज़ पे क्लिक कर लेंगे, ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद मुझे मास्टर में ही सेव करना है, तो मास्टर में चले गया, यहाँ पे आया प्रॉक्सीज में जाके इसके नीचे एक फाइल मतलब एक मुझे नंबर दे देना जिसके अंदर मुझे सेव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेम नंबर दे देता हूँ, 2007, ठीक है, ये कार्ड नंबर है जिसे ये मैंने बना, मैं एडिट मतलब ये मैंने कन्वर्ट कर चुका हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं फिर से आपको दिखाने के लिए सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये मैं
आप जो भी चाहें यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। लिखने के बाद फिर वहाँ पे ये सेव के बटन दबा दें। अब ये जो है वहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी जो उसके नीचे आते हैं तो रेंडर सिंगल क्लिप और इंडिविजुअल क्लिप। सिंगल क्लिप में क्या होता है, जो सारी की सारी वीडियो, ये पूरी वीडियोज़ जो है ना, ये पूरी एक वीडियो में आ जाएगी, मतलब उसके बीच में कोई कट नहीं रहेगा, एक लंबी वीडियो बन जाएगी। जैसे अगर ये दो दो मिनट की वीडियो है, अगर 10 वीडियो है तो 20 मिनट की एक वीडियो पूरी पूरी तैयार हो जाएगी, उसके बीच में कोई कट नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल क्लिक करना है। इंडिविजुअल करने से क्या होगा कि जो जितनी बड़ी फाइल है उतने मिनट की वो फाइल निकल के आ जाएगी, सिर्फ रेजुलेशन उसका कम हो जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद ये इंडिविजुअल हो गया, अभी वीडियो में जाते हैं। वीडियो में जाने के बाद अभी आपको फिर से जो है एडिट टीम से पूछना है कि उनको फॉर्मेट क्या चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढेर सारे फॉर्मेट हैं, आप DCP, DPX इस तरह से करते हुए MP4, MXF और फिर MXF OP1A है, क्विक टाइम है, ठीक है। तो मुझे अभी क्विक टाइम पे ही करना है। और फिर कोडेक में भी ये होता है कि कोई कोई H264 पे चाहिए होता किसी किसी को, और किसी किसी को प्रोरेस पे चाहिए होता है, एप्पल प्रोरेस पे, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे एप्पल प्रोरेस पे चाहिए। अभी एप्पल प्रोरेस करते ही देखिए नीचे और एक ऑप्शन आ गया, टाइप एप्पल प्रोरेस 422HQ, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखिए, ये उससे ऊपर की क्वालिटी है, ये HQ उससे थोड़ा सा नीचे की है, ये LT है उससे और नीचे की है, प्रॉक्सी और नीचे की है, ये और ऊपर की है 4444, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे LT चाहिए, ठीक है, LT हो गया। फील्ड रेंडरिंग पे ओके कर देंगे, और फिर उसके बाद रेजुलेशन अगर आप चाहें तो और भी कम कर सकते हैं, चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, अभी हम HD पे यहाँ पे कर रहे हैं 1920x1080 HD, और अगर आपको चाहिए तो 1280 है, फिर उसके बाद 720 है, PAL है, NTSC है, आप जिस पे चाहें उस पे कर सकते हैं। ये देखिए, ये नीचे और भी और ढेर सारी सेटिंग्स है, आप जिस पे चाहे टाइप उस पे क्लिक कर सकते हैं। मैं 1920x1080 पे कर लिया, और एडवांस सेटिंग में चेक कर लीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये स्क्वायर पे ही रहेगा, सिनेमा स्कोप पे नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, डाटा बर्निंग में सेम है, प्रोजेक्ट पे ही रहेगा क्लिक, ठीक है। और डाटा बर्निंग के बारे में आपको अभी और भी चीज़ें मैं बताऊँगा। ये हो गया वीडियो के बारे में, अभी आते हैं ऑडियो पे। ऑडियो में क्या करना है, सिर्फ ये जो है बिट डेप्थ जो है वो 16 पे ही क्लिक रहना चाहिए, आपको 24 पे ना आ जाए, ये चेक कर लें। और चैनल आपके पास कितने चैनल का आपने ऑडियो शूट किया हुआ है, 2 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल, वैसे नॉर्मल अगर एक कैमरे में शूट होता है तो वो 2 चैनल की ही ऑडियो शूट होती है, 3 या 4 की नहीं होती है, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे, फिर उसके बाद अभी हमें जाना है फाइल पे। अभी देखिए फाइल पे, ये एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पे देखिए फाइल नेम यूजेस, ठीक है। अभी यहाँ पे दे दिया ये कस्टम नेम, अब कस्टम नेम अगर आपको अपने हिसाब से नाम चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आगे का नाम, अब बता जैसे अनलिमिटेड दिया हुआ तो अनलिमिटेड की जगह पे आप कुछ भी अपना नाम डाल दें या किसी का नाम डाल दें, जैसे आप, मैंने कैमरा हब कंपनी का नाम डाल दिया, अभी इसके आगे 1234 करके ऑटोमेटिक सेट कर देगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो हमारे कैमरे का जो सेटिंग है, जो हमारे कैमरे का नंबर है, वही नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 8B007C008, ठीक है, ये नंबर हमारे क्लिप पे आना चाहिए, नहीं तो एडिट में हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो सोर्स नेम पे क्लिक कर देंगे, काम खत्म। यहाँ पे अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ से पाथ तो चूज़ कर लिया हुआ है, ये हो गया, अभी यहाँ का काम खत्म। अभी हमें एक काम और बचा हुआ है, वो देख लेंगे हम वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे और आएंगे हम डाटा बर्निंग पे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अभी यहाँ पे भी आपको पूछना है एडिट टीम से कि भाई आपको इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको कुछ लिखा हुआ चाहिए या नहीं चाहिए, अगर लिखा हुआ चाहिए उनको तो आप यहाँ से मतलब जो भी उनको चाहिए होगा वो बताएंगे, आप इसमें से चूज करके उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोर्स टाइम कोड और सोर्स क्लिप नेम, ये 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे देना है, ठीक है। अभी इसको कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अभी आप यहाँ से अगर चाहिए तो लेफ़्ट क्लिक करके इसको छोटा और राइट साइड खिसका के बड़ा कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं 61 पे, 64-65 तक भी रख सकते हैं, 65 रख देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं इसके,
और फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये देखिए फॉन्ट वाइट में है, बैकग्राउंड ब्लैक में है, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है पोजीशन का नंबर। अभी पोजीशन किसका चेंज होगा, ये जो जिस पे ये सेलेक्ट है उसका, ठीक है। अभी सेलेक्ट है क्लिप नेम पे, अभी इसको साइड में लेफ्ट ऐसे लेफ्ट फिंगर को लगा के राइट साइड में खिसकाएंगे तो वो हो जाएगा। तो फिर यहाँ से डाउन 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 डाउन, ये थोड़ा सा नीचे से खुला छोड़ के इतना कर लेते हैं, ये हो गया 70, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये राइट खिसका देंगे और फिर इसको कर, इसको नॉर्मली 70 आप अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद ये कैपेसिटी जो ये ब्लैक है ना, इसकी कैपेसिटी हमें क्या करना है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ से कैपेसिटी को कर लेंगे 50, जैसे कि पीछे का भी फुटेज दिखे हमें और आगे ये भी अलग हो, ऐसा ना हो पीछे का मतलब अगर वाइट हो तो उसमें ये वाइट छिप जाए, इस वजह से पीछे का बैकग्राउंड रखेंगे। और उसके बाद उसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे, उसका सेटिंग थोड़ा सा डाउन कर देंगे, जिससे कि मतलब पीछे का भी वीडियो हमें हल्का विजुअल हो सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ की सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अभी क्या करना है, ऐड टू रेंडर क्यू, यहाँ से ऐड टू रेंडर क्यू कर लेना है। यहाँ पे आपकी फुटेज आ गए, ये 15 क्लिप है, यहाँ पे देखिए 15 क्लिप दिखा रहा है। और हमें फिर उसके बाद बस स्टार्ट कर देना है, ये देखिए हमारा स्टार्ट हो गया। अभी हमारा जो फुटेज है ये 13 मिनट दिखा रहा है, 13 मिनट 12 मिनट, ये देखिए 12 मिनट में हमारा जो लैपटॉप है वो इसको कन्वर्ट करके रेडी कर देगा। अभी हम यहाँ पे कमांड एच को दबाते हैं, इसको पीछे कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है मास्टर में जहाँ हम उसको सेव कर रहे हैं वहाँ पे चले जाते हैं, डेफोर प्रॉक्सीज, और यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे आना शुरू हो गया है। अभी जैसे ये एक क्लिप कंप्लीट होगा वैसे यहाँ पे वो शो हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं हम कितना डाउन आ रहे हैं अभी जिससे हम कर रहे हैं। ये देखिए हम कार्ड नंबर 7 हमने उठाया हुआ है, कार्ड नंबर 7 का हमारे पास है 151.69, ठीक है। आप 151.69 का ये हमारे पास फुटेज है जो रॉ फुटेज है, ठीक है। अभी हम उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितना आया उसके बाद जो हमने प्रॉक्सी किया हुआ है, प्रॉक्सी में दिखा देंगे। अभी देखिए अभी एक सेकंड में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, रॉ फुटेज है ये 151.69 जो कि 17 आइटम है। 17 आइटम में क्या क्या है नीचे के देखिए, ये दो और हैं जबकि हमारे पास 15 आइटम है, ठीक है। टोटल हमारा जो कन्वर्ट होगा 15 आइटम पे कन्वर्ट होगा। अभी प्रॉक्सीज में जाते हैं और 7 नंबर जो हमने पहले से कन्वर्ट करके रखा हुआ है, अभी सोचिए 151 कहाँ 151 GB था, ये देखिए 5 GB में कन्वर्ट होके आ गया, 5.22 GB में। जो मैंने बताया था कि वो दो क्लिप एक्स्ट्रा होती है वो सपोर्टेड क्लिप होती है, ये देखिए 15 क्लिप होके आ चुका है, ठीक है। ये देखिए जो हम कन्वर्ट कर रहे थे वो कन्वर्ट होके अभी ये नॉर्मली हम अपना प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारी चैनल को, और वह वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी ये लगता मतलब डेडिकेशन लगता है। तो अगर आप मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से ला सकूँगा, जिससे कि मुझे लगेगा कि ये काफ़ी लोग देखने वाले हैं, जो देखने वाले होते हैं तभी हमें वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू दोस्तों, और आगे अभी इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे वो DIT से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ होंगी, उसको भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।